हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लीब्रा कैल्क की। अब इसमें देखिए, यहां पर हम सीखेंगे ऑफसेट फंक्शन का यूज। लीब्रा कैल्क में ऑफसेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये देखिए, ये लास्ट में जो एंट्री हुई है, इसी को एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री जो पास हुई है लास्ट वाली, यहाँ पे एंट्री जो करी गई है लास्ट वाली, इसको आप देख लीजिए। और ये एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम वही एंट्री दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कीजिए मॉनिटर, केवल मॉनिटर लिखा मैंने और यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पर आए तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉनिटर अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 8 डाल देता हूँ, यानी क्वांटिटी 8 डाल देता हूँ, आपको यूनिट में भी 8 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप प्राइस डाल देता हूँ, लाइक यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ 3500 रुपए। तो ये 3500 जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 3500 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये किस फॉर्मूले की मदद से हमने किया, आइए आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ इसे हटा देता हूँ, ये हटा दिया हमने। अब यहाँ पर ये जो एंट्री पास की, इस पर हमको फॉर्मूला क्या यूज करना है, ऑफसेट का। तो यहाँ पे लगा दीजिए ऑफसेट, कुछ इस तरीके से ऑफसेट लगाइए, तो ये ऑफसेट हो गया। और ये जो ऊपर वाली सेल है ना A1, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह से मैंने सेलेक्ट किया है बिल्कुल आपको भी वैसे ही सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आगे हमें यहाँ पर काउंट ए, एक फॉर्मूला होता है काउंट ए, उसका आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए COUNT काउंट ए, और बस आपको ये पूरा ए वाला। तो अब देखिए लिखना कैसे है, आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे लिब्रा कैल्क में तो आपको दिक्कत होगी, ये इस तरह से दिक्कतें आएंगी। तो अगर आपके में सही से आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको करना क्या है, क्योंकि हमको ए वाला केवल कॉलम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ लिखिए ए, कोलन लगाइए, यहाँ लिख दीजिए ए, तो ये हो जाएगा आपका काम। और फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर माइनस करना है 1, क्या करना है -1 करना है, और कॉमा लगाना है, और यहां दे देना है 0। दे दिया, काम हो गया है आपका, प्रेस कर दीजिए एंटर। यहां पर एलईडी मॉनिटर आपको दिख रहा है, ये आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करवाता हूं इधर की तरफ तो आप देखेंगे कि यहां पर ये सारी डिटेल भी आ जा रही है। अब इसका फायदा क्या है वो बताता हूं, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि कुछ और आपने टाइप किया, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं डेस्कटॉप HP, ठीक है, या कुछ और कर देता हूँ, डेस्कटॉप HP कर देते हैं, चलिए। तो ये कर दिया डेस्कटॉप HP, तो HP की एक डेस्कटॉप की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप कर देता हूँ। और एक डेस्कटॉप की यहाँ पे कीमत है 45,000 रुपए, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली चेंजेस यहाँ पे भी हो गए हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो गए हैं। अगर आप ये फॉर्मेट बदलना चाहते हैं इसका, तो पूरा यहाँ पे इतना सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉर्मेट बदल सकते हैं, ये फॉर्मेट पे जा करके, और फिर यहाँ नंबर पे जाइएगा तो आपको करेंसी मिल जाएगा। आप चाहे तो इंडियन फॉर्मेट भी लेके आ सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ फिर चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ बार कोड रीडर, ये लिखा मैंने बार कोड रीडर, RED, बारकोड रीडर यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर कर देता हूँ 6, और यहाँ पर एक की प्राइस यहाँ पे डाल देता हूँ, लाइक 1500 रुपए एक की प्राइस डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 1500 प्राइस है एक की। तो यहाँ पे जैसे ही बारकोड रीडर लिखूंगा तो लास्ट आपको एंट्री देखिए, ये वाली हमारी लास्ट एंट्री है, और यही एंट्री आपको दिखाई भी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, देख सकते हैं आप यहाँ पे लास्ट एंट्री ही आपको नजर आ रही है। तो ये फायदा है ऑफसेट का यूज करने से, और भी फायदे हो सकते हैं। आई होप कि ये तो बात समझ में आ गई होगी कि लास्ट एंट्री अगर आपको फाउंड करनी हो तो किस तरह से आप फाउंड कर सकते हैं ऑफसेट फॉर्मूले की मदद से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।